हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश है। मैं आपको इस वीडियो में FM रिपेयर के बारे में बताऊंगा। ये मेरे को मेरे फादर ने दिया था। मेरे ख्याल से मेरे फादर ने ये भी कहा था कि इसके अंदर कुछ कमी है जिसके कारण ये FM ये चल नहीं रहा है। चलो आज इसको चेक करते हैं, देखते हैं। पहले इसको चेक करते हैं कि FM चल रहा है कि नहीं। चलो ये देखो, इधर इस साइड में दो लाइट लगी है, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों इसको चेक करें। आप देख सकते हैं ये चल नहीं रहा है। इसके पीछे मेरे ख्याल से एक बटन भी है, उसको ऑन ये ऑफ हो रखे हैं मेरे ख्याल से। पीछे का ये देखिए, ये ऑन हो रखा है। हेलो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये स्पार्क करा है। चलो अब खोल के देखते हैं ये क्यों स्पार्क करा, हुआ क्या है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है। चलो दोस्तों हम खोलते हैं पहले से। तीन इसके निकाले दोस्तों हमने नट, तीन इसके निकाल लेते हैं। चलो ओपन करते हैं इसे। ये देखो दोस्तों, ये स्पार्क हुआ था जिससे ये कालापन आ गया है। ये स्पीकर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों इसको एक बार चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक तो दोस्तों ये देखिए, फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम है, लग रहा है इसके कारण ये स्पार्क हुआ था। ये वायर को भी चेक करेंगे। चलो दोस्तों इसके पहले वायर को चेक करते हैं। दोस्तों इसके वायर को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। मल्टीमीटर से पहले इसको छील लेते हैं, इससे हमें आसानी हो चेक करने में। ठीक है दोस्तों, ये है मल्टीमीटर। दोस्तों इसको बजर मोड पे रखते हैं, ये वाले मोड पे। ये देखो दोस्तों ये ऑफ है, इसको बजर मोड पे रखते हैं जिससे इसकी आवाज़ आती है, आप सुन सकते हैं। ये वाला वायर ठीक है, ब्लू वायर, रेड वायर, दोनों वायर ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं इसमें कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले स्पीकर, क्योंकि कभी कभार स्पीकर भी प्रॉब्लम वैसा तो नहीं करता, और बाई चांस देखो स्पीकर भी सही है। अभी को चेक करते हैं इनकी जो,
ये है स्विच, जिसे ये अभी बंद है। देखो दोस्तों बंद, ये ऑन और कर, देखो आवाज़ आ रही है, ये अभी बंद है, देखना आवाज़ नहीं आएगी। नहीं आ रही है, अब इसे ऑन करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसमें आवाज़ आई है दोस्तों। अभी इसके ये चेक करते हैं, मेरे ख्याल से बस जो प्रॉब्लम हो रही थी। देखो दोस्तों मैंने कहा था ना ये लाइट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटी है, ये भी कैपेसिटी है, ठीक है। तो चलो अब इसको वोल्ट सोल्डिंग कर लेते हैं, ये जो वायर है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों सोल्डर मशीन लगा देते हैं, ये हमारी सोल्डर मशीन है, इसको लगा देते हैं। इसको हम ऊपर लगा देते हैं दोस्तों, जब तक हमारी सोल्डर मशीन गर्म होती है, जब तक इसके अंदर जैसे वायर था वैसे कर देते हैं फिर, तो जिससे हमें आसानी हो इसे लगाने में। दोस्तों हमने गाँट बांध दिया, ठीक है दोस्तों, अब बस इसे सोल्ड करके चलाना है ये वायर। देख सकते दोस्तों हमने इन दोनों को सोल्डिंग कर दिया है। चलिए दोस्तों अब इसे ऑन करते हैं। अभी मेरे ख्याल से हम ऐसे रखकर ऑन करके चला के देखते हैं, जैसे बाद में खोलने की जरूरत ना पड़े। चलो दोस्तों ऐसे चला के देखते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये चलने लग गया है, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं।